हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, वेद के लिए है, जो दवाइयाँ बनाते हैं उसके लिए है। घन सत्व निकालने के बाद जब हमें टैबलेट्स बनाने होते हैं तो हम हाथ से मैन्युअली टैबलेट्स बनाते हैं, उससे कई सारा टाइम हमारा बर्बाद होता है। और अगर हमारे पास कुछ मशीनी तकनीकी नहीं है तो भी हमें कोई चिंता की बात नहीं है। आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसे फनेल से आप इजीली टैबलेट बना सकते हैं। तो चलो जानते हैं कैसे टैबलेट्स बनाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो सत्व हमने निकाला है उसमें थोड़ा चूर्ण मिक्स करके रोटी बनाने का आटा जैसे बना देने का, बाद में बेलन से रोटी जैसा शेप उसे देना पड़ता है। ये हमने गिलोय का सत्व निकाला है और उसमें गिलोय का चूर्ण मिला के ऐसा आटा जैसा बनाया है और रोटी जैसा शेप दे रहे हैं। इस शेप देने के बाद ये है हमारी फनेल जो नीचे से थोड़ी काट दी है जिससे टैबलेट थोड़ी बड़ी बने। ये गिलोय के चूर्ण थोड़ा लगा देने का जिससे टैबलेट्स उसमें चिपके ना। इस तरह चूर्ण थोड़ा लगा के जो सत्व का आटा जैसा बनाया है, रोटी जैसी शेप बनाई है, उसमें ऐसे घुमाने का जिससे टैबलेट कट्स होके फनेल में ऊपर जमा होती रहेगी। एक टैबलेट कट करके दोबारा गिलोय के चूर्ण उसे लगाने का है जिससे दोनों टैबलेट आपस में चिपके ना। ऐसे टैबलेट्स हमारी ऊपर जमा होने लगी है। ऐसे हम इजीली टैबलेट्स सही शेप में, एक समान शेप में बना सकते हैं। जैसे मार्केट्स में आयुर्वेदिक टैबलेट्स मिलती है उसी तरह ये टैबलेट्स भी दिखेगी। ये टैबलेट्स हमारी बन रही हैं। आप देख सकते हो ऊपर टैबलेट्स जमा हो रही है। बीच बीच में हम गिलोय का चूर्ण भी लगा रहे हैं जैसे टैबलेट्स एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएं। ये देखो, ये टैबलेट्स हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो मार्केट में जैसे मिलती है उसी शेप में बनी है। अगर आपको बड़ी टैबलेट्स बनानी होती है तो नीचे की और बड़ा छेद होना चाहिए। ये हमारी टैबलेट्स रेडी है, आप देख सकते हो। उसे आप दो तीन दिन धूप में सुखा के यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिक अगर आप सभी डॉक्टर्स को जो दवाइयाँ बनाते हैं उसको अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।